नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। तापसश्चौर्यात् बहु दुःखं प्राप्तं इत्यस्य कथनम्। एक तापस थे जो चोरी के कारण बहुत दुख को प्राप्त हुए, इसलिए उनकी कथा यहाँ पर बताई जा रही। वत्स देशे कौशाम्बीपुरे राजा सिंहरथो रानी विजया राज्ञी विजया। वत्स देश है, वहाँ कौशाम्बीपुर है, वहाँ का राजा सिंहरथ है, रानी विजया। तब त्रैकश चोर है, वहाँ पर एक चोर भी है, कौटिल्येन कुटिलता से तापसो भूत्वा पर भूमि मस्पृशत् अवलंबमान शिक्यस्तो दिवसे पंचाग्नि साधनं करोति। वो ऐसा तपस्वी है कि वो पेड़ पर ऐसे रस्सियों से एक छींका झोला झूला जैसे रहता है, उस पर ही तपस्या करता है और पंचाग्नि तप करता है कि मैं किसी की धरती को भी नहीं छूना चाहता, मैं पर वस्तु से इतना दूर रहता हूं। बोले रात्रौ च कौशाम्बी मुषित्वा तिष्ठति। और रात में कौशाम्बी नगरी को चोरी करता है वहां जाकर। एकदम महाजनान मुष्ट नगरम आकर्ण्य राज्ञा कोट्टपालो भणित। एक बार बड़े लोगों से नगर में चोरी को सुनकर राजा ने कोतवाल से कहा, प्रे सप्त रात्र मध्य चोर निशिरोवानय। सात रात का समय देता हूं, या तो चोर को पकड़ कर लाओ या फिर अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। ततश्चौरमलभमानश्चिन्ता पर तलारोपराण्ये बुभुक्षित ब्राह्मणेन केनचिद् आगत्य भोजनं प्रार्थितः। अब वो चिंता में ऐसे बैठा हुआ था दूसरे दिन, तो दोपहर के समय एक भूखे ब्राह्मण ने उससे भोजन मांगा। भूखे को भोजन करा दो। बोले तेन उक्तम रहे ब्राह्मण अच्छांदोसी मम प्राण संदेह वर्ते तुम भोजन प्रार्थे से। बोले कि यहाँ जान के लाले पड़े हैं पर तेरे को खाना चाहिए। बोले यहाँ मेरी जान खतरे में है और तू भोजन मांग रहा। बोले मेरे एतद् वचनम् आकर्ण्य पृष्ट ब्राह्मणेन कुतस्ते प्राण संदेह। तो ब्राह्मण ने बोला कि अच्छा मुझे बताओगे कि आपको ऐसा क्या प्राण संदेह हो गया है और किस कारण से आप ऐसे परेशान हो। कथितं च तेन। अब जो मुसीबत में होता है वो बता देता है सबको, बता दिया उसने। तद आकर्ण्य पुनः पुनः पृष्ट ब्राह्मणेन अत्र किं कोप्यति निस्पृहत्तु प्रहवृत्ति पुरुषोप्यस्ति। ब्राह्मण ने बोला कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है आपके कौशाम्बी नगर में जो बिल्कुल सबसे अलिप्त है और जिसको कोई कामना नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। उत्तम तलारे हैं अस्ति। बोले है। उस कोतवाल ने कहा कि है, विशिष्ट तपस्वी, बहुत विशेष तपस्वी हो। न च तस्यैतत् संभाव्यते, वो ये काम नहीं कर सकता। बोले ये संभव नहीं है। भणितम ब्राह्मणे न सहैव चोरो भविष्यति, वो काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण बोला कि वो ही चोर होगा। अति निस्पृहत्वात्, जो ज्यादा ही मसीहा बनता है वो बदमाश होता है। जबरदस्त बात है, जो ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश करता है वो बदमाश निकलता है। श्रूयतामत्र मदीया कथा। बोले कि मेरी कहानी सुनो तुम।
मम ब्राह्मणी महासति परपुरुष शरीर न स्पृशति इति निज पुत्रस्याप्यति कुटात कर्पटेन सर्वम शरीरम प्रच्छाद्य स्तन ददाति। बोले मेरी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिलाते समय भी खूब कपड़े लपेट कर पिलाती थी। बोले कि मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, मेरा पति तो नहीं है, यानी पति के सिवाय सब मेरे लिए पराए हैं। बोले रात्रौ तो गृह पिंडारेण से कर्म करो थी, और रात में किसी दुष्ट दुष्ट के साथ उसका संबंध था। तद दर्शनात् सजात वैराग्य हूं संजात वैराग्य हूं, उसको देखने के कारण मुझे वैराग्य हुआ और मैं इस तरह निकल गया घर से। संबलार्धम सुवर्ण शलाकाम। अब लेकिन मुझे वैराग्य होने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसे खाली निकल जाना अच्छा नहीं, कुछ धन अपने साथ रख लेना ठीक है, भूखा ना मरना पड़े, इसलिए कुछ साथ में रख लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक सोने की शलाका जो थी, डंडी थी सोने की, उसको वंश यष्टि मध्य निक्षिप्य तीर्थ यात्रायाम निर्गतः। तीर्थ यात्रा पर मैं निकल गया और मैंने अपनी बांस की जो डंडी थी उसके अंदर वो स्वर्ण शलाका छुपा कर रख दी। अग्रे गच्छतश्च ममैक बटुको मिलितो न तस्य विश्वासं गच्छाम्यहं यष्टि रक्षा यत्नतः करोमि यष्टि रक्षाम यत्नतः करोमि। अब आगे जाते हुए मुझे एक बटुक मिला, एक ब्रह्मचारी मिला, जो मुझे भरोसेमंद नहीं लग रहा था, तो मैं लकड़ी को संभाल करके ही रखता था अपने पास। तेन आकलिता सायष्टि सगर्भा इति। वो होशियार था तो समझ गया कि इस लकड़ी में कुछ खास माल है। एकदा रात्रौ कुंभकार गृहे निद्रां कृत्वा दूरात् गत्वा तेन निजमस्तके लग्नम कुथितं तृणम् आलोक्याति कुक्कुटेन ममाग्रतो आहा मया परतृणमाद मदत्त ग्रसितम् इत्युक्त्वा व्याघुट्य तृणं तत्रैव कुंभकार गृहे निक्षिप्य दिवसावसाने कृत भोजनस्य ममागत्य मिलितः। अब उसने एक नाटक खेला कि एक बार हम लोग ऐसे सफर करते करते रात में किसी कुमार के घर रुक गए, तो फिर नींद पूरी करके हम लोग दूर निकल गए, तो उसने अपने सिर में से वहां एक तिनका जो फंसा हुआ था वो निकाला, जो स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ, एक घास का सूखा हुआ तृण, वो उसने निकाला अपने सिर से और कहने लगा, कपटपूर्वक मेरे सामने बोला कि अरे बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने दूसरे की वस्तु यहां तक के अपने साथ ले आया, बहुत गलत काम हो गया मेरे से। तो एकदम ग्रसित के समान एकदम आकुल व्याकुल हो गया वो, ऐसा बोलकर व्याघुट्य तृणम तत्रैव कुंभकार गृहे निक्षिप, वो तिनका वहीं कुमार के वहां जहां से गिरा था वहीं लगा करके फिर वापस आया। और दिवसावस्था ने कृत भोजन से, और मैंने शाम के समय भोजन कर लिया था तो मुझसे आकर के वो मिल गया। और भिक्षार्थम गच्छतस तस्याति शुचि रयमिति मत्वा विश्वसितेन मया यष्टि कुक्रादि निवारणार्थम समर्पितम। और मैं भिक्षा के लिए निकला तो मैंने सोचा कि एकदम पवित्र ब्रह्मचारी है, तो मैंने कुत्ते वगैरह भगाने के लिए वो लकड़ी उसको दे दी। तांग गृहीत्वा सगत, वो लकड़ी और ब्रह्मचारी दोनों कभी नहीं मिले मुझे। वो लेकर भाग गए। ततो मैं
महाटव्य। गच्छताति वृद्ध पक्षिणोति कुरकुटम दृष्टम। मैंने जंगल में एक बूढ़े पक्षी का कपट भी देखा अपनी आंखों से। यथा एकस्मिन् महति वृक्षे, जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष था वहां पर, मिलिता पक्षिगणों रात्रौ एकेनाति वृद्ध पक्षिणा निज भाषया भणितो रेरे पुत्रा। अब रात के समय एक पक्षी, उन बहुत सारे बहुत बड़ा पेड़ था तो उस पर रात में सब पक्षी आ करके सोते थे, विश्राम करते थे। तो एक बूढ़ा पक्षी बोला, रे रे पुत्रा, अरे अरे बच्चों, हम अतीव गंतुम न गच शक्नो में, मैं कहीं भी उड़ नहीं सकता, बोले इतना बूढ़ा हो गया हूँ। बुभुक्षित मना कदाचित भवत पुत्राणाम भक्षणम करोमि, चित्त चापल्याद अतो मम मुखम प्रभाते बद्वा सर्वे भी गच्छन्। बोले कि तुम लोग जाते हो, अब मैं बूढ़ा पक्षी हूँ, भूख के कारण कहीं तुम्हारे बच्चों को ना खा जाओ, यहाँ पर तुम्हारे घोंसले भी है बहुत से, तो इसलिए तुम लोग सवेरे जब भी जाओ तो मेरा मुंह बांध करके जाया करो। तैर उक्तम, वो जो दूसरे पक्षी थे, जवान पक्षी थे, वे बोले कि हा हा तात, अरे अरे पिताजी, पिता महस तुम तो, आप तो दादा के बराबर हो, किम तवई तत् संभाव्य थे, क्या आप ऐसा काम करोगे क्या, हमारे बच्चों को आप खा जाओगे क्या। तो तेन उक्तम, उसने उत्तर दिया, बुभुक्षितम किं न करोति पापम, बोले भूखा क्या का पाप नहीं कर लेता, भूखा हर पाप कर सकता है। बुभुक्षितः किं न करोति पापम इति। एवं प्रभाते तस्य पुनर्वचनात्, फिर सवेरे उसने बोला, तो तन मुखम बद्वा ते गता, तो उसका मुंह बांध करके वो पक्षी उड़ गया। बाकी सच बद्धो गतेषु चरणाभ्याम मुखाद बंधनम दूरी कृत्वा तद बालकाम भक्षित्वा तेषाम आगमन समये पुरन पुनर पुनश्चरणाभ्याम बंधनम मुखे संयोज्य अतिकुरकुटेन क्षीणोदरो भूत्वा स्थितः। अब देखिए, जब वो लोग बहुत दूर उड़ गए सारे पक्षी, तब उसने अपने पैरों से वो मुंह का बंधन खोला और उनके बच्चों को खाया, और उनके आने के समय वापस अपने पैरों से वो मुंह पर चढ़ा दिया वो बंधन, और ऐसे बैठ गया जैसे उसका पेट एकदम खाली हो, ऐसे बैठ गया। ततो, इसके बाद ये एक कपट मैंने देखा जंगल में। फिर इसके बाद चौथा कपट मैंने क्या देखा, ततो नगर गतेन, मैं नगर में गया था, तो चतुर्थम अधिक मति कुरकुटम दृष्टम, मैं चौथा भयंकर कपट मैंने देखा वहां पर। यथा तत्र नगरे, जैसे उस नगर में एक चौरस तपस्वी रूपम धृत्वा बृहत् छिलां च मस्तकस्य उपरि हस्ताभ्याम ऊर्ध्वं गृहीत्वा नगर मध्ये तिष्ठति। एक भारी तपस्वी था, चोर था वो, लेकिन वो ऐसे बड़ी शिला को अपने मस्तक के ऊपर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके नगर के बीच में ठहरता था दिवा दिन के समय। रात्रौ चाति कुरकुटेन अप्सर जीव पादम ददामि, अप्सर जीव पादम ददामि भणन भ्रमति, और रात में उसी चट्टान को लेकर के वो ऐसे भ्रमण करने निकलता था। लोगों को लगता था कि ये तपस्वी कोई साधना कर रहे हैं, तो भ्रमण करते वो बोलता था, हट जाओ, मेरा पैर पड़ किसी जीव पर ना पड़ जाए, तुम लोग सब हट जाओ यहां से, रास्ता खाली कर दो। अप्सर जीवित चासो भक्त सर्व जनैर भण्य थे, सारे उसके भक्त लोग उसको अप्सर जीव बाबा कहते थे, अप्सर जीव तापस कहते थे। सच गर्तादि विजन स्थाने दिगवलोक करंकृत्वा सुवर्ण भूषितम एकाकिन प्रणमंत तया शिलया मारयित्वा तद्द्रव्यम गृह्णाति। और वो जब ऐसे भटकता था तो कभी एकांत में उसको कोई बस आभूषण वगैरह पहना हुआ व्यक्ति मिलता था, तो उसके ऊपर वो पत्थर डाल करके उसको मार कर वो पूरा सोना रख लेता था अपने पास और कहीं छुपा देता था।
एकाकिनम प्रणमंतम तया शिलया मारयित्वा। इसमें स्कैन थोड़ा बराबर नहीं हुआ तो कुछ कई चीजें छूटी हुई लग रही। इत्यति कुरकुट चतुष्टय आलोक्य मया श्लोको यम कृतः। ऐसे चार कपट देख करके मैंने एक श्लोक लिखा था। ब्राह्मण उससे कह रहा है, कोतवाल से, अबाल स्पर्शिका नारी ब्राह्मणो तृण हिंसक मुनि काष्ठ मुख पक्षी पुरे पसर जीवक। बच्चे को न छूने वाली नारी और तिनका वापस लौटाने वाला वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी और जंगल में मुंह बंधवाने वाला पक्षी और ये मैं जीव पर पैर न रख दूं, हट जाओ ऐसा बोलने वाला अजीवक अप्सर जीवक है, ठीक है, वो तापस जो चोर था। इति कथयित्वा तलारम धीरयित्वा। इतना कहकर के ब्राह्मण ने उस कोतवाल को धीरज बंधाया और संध्याया ब्राह्मण शिक्य तपस्वी समीपम गत्वा तपस्वी प्रतिचार कैर निर्घाट्य मानोपि रात्रेन्दु भूत्वा तत्र पतित्वैक देश स्थित। वो वहां गया और उसके जो भक्त लोग थे वो उसको वहां से भगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसने अंधा बनने का नाटक किया और ऐसे गिर गया वहां पर और एक कोने में पड़ा रहा वो। तेज प्रतिचार का उसके जो सेवक थे उन्होंने रात्रंद परीक्षणार्थम, ये सही में अंधा है या नाटक कर रहा है, इसकी परीक्षा करने के लिए तृण कट्टिकांगुल्यादिकम तस्याक्षि समीपम नयन्ति। उसके आँख के पास ऐसे काड़ी ले ले जा करके ऐसे ऐसे किए उन्होंने, पर वो ऐसे नाटक कर रहा था कि सही में अंधा है। फिर कई बार ऐसे उंगली ऐसे किए तो भी उसने पक्का नाटक किया उसने। तो पश्यन अपि न पश्यति, वो देखते हुए भी नाटक कर रहा था, बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो लोग सब कुछ कर रहे थे लेकिन उसको कुछ नहीं था। बृहद रात्रो गुहायाम अंधकूपे नगर द्रव्यम भ्रियमाणम आलोक्य तेषां खादन पानादिकं वालोक्य प्रभाते राज्ञा मार्य मानस तलारो रक्षित तेन रात्रि दृष्ट मावेद्य। क्या हुआ कि रात में उसने देखा कि ये तो कुछ भी उटपटांग चीजें खा रहे हैं, मदिरा पान वगैरह कर रहे हैं और खान पान सब देख लिया उसने रात में। और ये भी देखा कि एक गहरा कुआ था, वहां पर खूब माल रखा हुआ है इन लोगों ने, पूरे नगर के जितनी चोरियां हुई है वो सारा माल उसमें पड़ा हुआ था अंदर गहरे कुएं में। तो उसने सवेरे जो राजा ने कहा था कि एक सप्ताह में तुम्हें या तो तुम अपनी जान दे देना या फिर तुम चोर को पकड़ करके ला देना, तो उसने फिर उस चोर को पकड़वा दिया और उस कोतवाल की जान बचा ली। स शिक्यस्य तपस्वी चौरस तेन तलारेण बहु कदर्थनादि भी कदर्थ्यमानो मृत्वा दुर्गतिम गतस्तृतीयाणुव्रतस्य। तो उस चोर को खूब दंडित किया गया, मर करके वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार तृतीयाव्रतस्य अणुव्रतस्य नहीं, यहाँ पहले कैसे अणुव्रत लिखा था, अव्रत है, ठीक है, अणुव्रत भूल से हो गया था। ये अव्रत का अर्थ पाप होता है, तो ये तीसरे पाप की कथा होगी। आरक्षिणा ब्रह्म निवृत्ति अभावात दुखम प्राप्तम। और एक आरक्षक यानी एक तलार कोतवाल सिपाही था, उसने कुशील के कारण भारी दुख प्राप्त किया था। आहीर देशे नासिक के नगरे, आहीर नाम का जो देश है वहां पर नासिक नगर है। राजा कनकरथ और रानी कनकमाला, राजा कनकरथ और राजनी कनकमाला, संस्कृत में राजनी कहते हैं,
और हिंदी में रानी बोलते हैं, तलारो यमदंडस। तलार जो था कोतवाल वो यमदंड था। तस्य माता बहुसुंदरी तरुणंडा पुंश्री, उसकी माँ जो थी ज्यादा सुंदर थी और जवानी में उसकी आदतें ठीक नहीं थी उसकी माँ की। सा एकदा वध्वा धर्तुम समर्पिताभरणम गृहीता गृहीत्वा रात्रौ संकेतित जार पार्श्वे गच्छन्ति यमदंडेन दृष्टा सेविता चैकान्ते। अब वो रात में कहीं जा रही थी कुछ गलत काम करने के लिए, तो संयोग से यमदंड उसको रास्ते में मिल गया, उसका एक बेटा। तो फिर उसी के साथ उनका वो हो गया संबंध। और तदाभरणं चानीय तेन निज भार्याया दत्तम्। और संयोगवश उसने उसके एक आभूषण को एक मिनट इसको फिर से करते हैं अर्थ। आहीर देश के नासिक के नगर में राजा कनकनत रहते थे। उनकी रानी का नाम कनकमाला था। उनका एक यमदंड नाम का कोतवाल था। उसकी माता अत्यंत सुंदरी थी। वह यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई थी ऐसा, तथा दुराचारिणी बन गई थी। एक दिन उसकी पुत्र वधु ने रखने के लिए उसे आभूषण दिया। वह आभूषण पहनकर रात में अपने पहले से संकेतित जार के पास जा रही थी। यमदंड ने उसे देखा और एकांत में उसका संपर्क किया। यमदंड ने उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने देख करके कहा, ये आभूषण तो मेरा है, मैंने रखने के लिए सास को दिया था। यमदंड कोतवाल ने विचार किया कि मैंने जिसके साथ संपर्क किया वो मेरी माँ होगी। तदनंतर यमदंड माता के जार के संकेत गृह मिलने के स्थान पर जाकर उसमें आसक्त हो गया और वह चुपचाप उससे संपर्क करने लगा। एक दिन उसकी स्त्री को यह जानकारी मिल गई और वह सहन नहीं कर सकी। तब तो उसने अत्यंत कुपित होकर धोबिन से कहा कि मेरा पति महापापी है, उसका अपनी माँ से गलत संबंध है। धोबी ने मालिन से कहा, मालिन ने कनकमाला रानी की विश्वास, जो कनकनारा माला रानी की विश्वास पात्र थी, वह उसके निमित्त फूल लेकर गई। रानी ने पूछा कि कोई अद्भुत बात मुझे सुनाओ, कोई मुझे तुम्हारे पास कोई अद्भुत जानकारी हो तो मुझे बताओ। मालिन कोतवाल को नापसंद करती थी। उसने रानी से कहा कि यमदंड कोतवाल ऐसा दुष्ट है। कनकमाला यह समाचार राजा से कहती है और राजा ने गुप्तचर के द्वारा उसके कुकर्म को पकड़ लिया और कोतवाल को बंधन में डाल दिया। दंडित होने पर वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार चतुर्थ पाप की कथा पूर्ण हुई। स्कैनिंग में कुछ मात्राएं छूट रही है। अनुस्वार तो लगभग लापता है। परिग्रह निवृत्त भावात श्मश्रु नवनीतेन बहुतरम दुखम प्राप्त। परिग्रह का त्याग न होने के कारण एक श्मश्रु नवनीत, श्मश्रु का अर्थ मूछ होता है और नवनीत का अर्थ
ताजा मक्खन होता है। नव, नव शब्द का अर्थ है फ्रेश। अस्ते अयोध्याम श्रेष्ठी भवदत्तो भार्या धनदत्ता पुत्रो लब्धदत्त वाणिज्येन दूरं गतः। अयोध्या में एक सेठ भवदत्त है, सेठानी धनदत्ता है, उनका पुत्र लुब्धदत्त है। व्यापार की अपेक्षा वो दूर चला गया है। तत्र स्वमुपार्जितम् तस्य चोरैर्नीतम्। उसने जो पैसा कमाया था वो चोर लोग ले गए। ततोति निर्धनेन तेन मार्गे आगच्छता तत्रैकदा गोधूः तक्रं पातुं याचितम्। तो बिल्कुल गरीब हो गया वो। तो रास्ते पर चलते चलते उसने एक छाछ का वो देखा जहाँ पर लोगों को छाछ दी जाती थी। पहले ये सब मुफ्त में मिलती थी, ये चीज़ें दूध छाछ वगैरह। तो अभी कर्नाटक में तो खैर दूध ठीक है, कहते हैं कि कर्नाटक में बाकी राज्यों से दूध की मात्रा अधिक है, ऐसा बताते हैं। तो इसने छाछ पीने के लिए मांगी, तक्र बटर मिल्क, तक्र तो तक्रे पीते स्तोकं नवनीतं कूर्चे लग्नम् आलोक्य गृहीत्वा चिंततम्। उसके मूंछ में थोड़ा सा मक्खन फंस गया ऐसे पीते पीते, यहाँ पर नीचे ऐसे बाल होंगे तो उसमें मक्खन लग गया। तो उसने बाद में विचार किया कि ऐसा अगर हमेशा करता रहूँ तो कुछ दिनों में तो मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। तीन वाणिज्यम भविष्यति, और उससे मेरा जो व्यापार बिगड़ गया, सब चोर लोग ले गए, तो नया व्यापार शुरू हो जाएगा। अनेन मे एवं तत् सत्संचित चिंतवत तस्य श्मश्रु नवनीत इति नाम जातम्। तो वो इसी काम में जुट गया, वो जी जान से वो यही करने लगा। बार बार वो वहाँ छाछ पीने जाता था और जो मक्खन आता था फंसता था मूँछ में, तो उसको वो इकट्ठा करता था। उसको उसको लोग मूछ मक्खन बोलने लगे। एवं एकदा प्रस्तव प्रमाणे घृते जाते घृतस्य भाजनं पादान्ते धृत्वा शीतकाले। अब एक बार क्या हो गया, प्रस्त प्रस्त का परिमाण कितना होता होगा? प्रस्त कुछ मापने का वो होता है। हाँ, दूध का भी रहता है। तो उतना घी तैयार हो गया उसका, उसने जो मेहनत की थी उसका उसका फल मिला उतना। तो उतना घी तैयार हो गया, तो उसने भाजनम, उसने क्या था, एक छोटी सी कुटिया में रहता ही था वो, गरीब था। तो उसने उस बर्तन को, घी के बर्तन को पादांते धृत्वा, ऐसे लेटे लेटे पैर के पास उसने ऐसे रख दिया उसको। और शीतकाले, शीत ठंड का समय था, तृण कुटीरक द्वारे अग्निंच पादांते कृत्वा, उसने पैरों के पास थोड़ी सी अग्नि भी रख ली थी कि वो ठंड के समय में थोड़ी सी गर्माहट भी मिलते रहे। और रात्रो संस्तरे पतितम्, और रात में एकदम वो बिस्तर पर पड़ गया। संचिंतयति, वो ऐसे हल्की सी उसको नींद भी थी और वो विचार भी कर रहा था। अनेन घृतेन बहुतरम अर्थम उपार्ज्य सार्थवाहो भूत्वा सामंत महासामंत राजाधिराज पदम प्राप्य क्रमेण सकल चक्रवर्ती भविष्यामि। बोलते कि पहले तो मैं जो व्यापारियों का समूह जाता है ना, उनका रक्षक, एक सेनानी बनूंगा। सार्थवाह का मतलब व्यापारियों को जो ले जाता है, और फिर जो चोर लुटे रहते हैं उनसे लड़ते भी हैं वो, और इनको सुरक्षित रखते हैं सार्थवाह। तो मैं सार्थवाह बनूंगा, इससे जो कमाऊंगा उससे मैं सार्थवाह बनूंगा।
और फिर सामंत बनूंगा, राजा का निकट व्यक्ति जो होता है उसको सामंत कहते हैं, फिर महासामंत बनूंगा, ज्यादा निकट हो जाऊंगा, फिर राजा बन जाऊंगा, फिर अधिराजा बन जाऊंगा, और क्रम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर महाराज, फिर अर्धमंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर, फिर चक्रवर्ती बनूंगा। यदा तदा च मे सप्ततल प्रासाद है, उस समय मेरा 7 मंजिल का एक महल होगा, और शय्यागतस्य पादांते समुपविष्टस्ति रत्नम पादौ मुष्ट्या ग्रहीष्यति। और जब मैं उस महल में, 7 मंजिल महल पर जब मैं अपने पलंग पर सो रहा हूँगा, तो मेरे पैर के पास मेरी जो पटरानी होगी वो बैठेगी, और बैठ करके पादौ मुष्ट्या ग्रहीष्यति, वो अपने अपनी मुट्ठियों से पैरों को वो मालिश करेगी, माने पग चंपी करेगी। न जानाति पाद मर्दनम कर्तुम इति स्नेहेन भणित्वा स्त्री रत्नमेव पादेन ताड़यिष्यामि। बोलते मैं उससे प्रेम से कहूंगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता, और धीरे से पैर से उसको ठोकर मारूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा चिंतन करके, तेन चक्रवर्ती रूपाविष्टेन, वो सही में वहां पर अपने आप को चक्रवर्ती ही समझ बैठा। पादेन हत्वा पातितम तद घृत भाजनम, उसने पैर से एक लात मार करके वो घी का बर्तन गिरा दिया। तेन च घृतेन द्वारे संदुक्षितोग्नि, और उस घी के कारण दरवाजे पर जो आग रखी थी वो भड़क उठी, क्योंकि घी फैल गया तो पूरी आग भड़क गई। ततो द्वारे प्रज्वलिते निःसर्तुम अशक्तो, तो जब दरवाजा जलने लगा तो फिर उसको निकलने की कोई जगह नहीं थी, पूरी कुटिया ऐसे बंद थी, ठंड का समय था, तो निकलने में वो समर्थ नहीं हुआ। तो दग्धो मृतो दुर्गतिम गतः, जल करके मर गया और दुर्गति को प्राप्त हो गया। तो इच्छा प्रमाण रहित पंचमाव्रतस्य, इस प्रकार 5वें पाप की कथा, परिग्रह की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आचार्य संबंधभद्र स्वामी कहते हैं कि इन 5 पापों का त्याग करके कोई अगर 3 मकारों का भी त्याग कर दे, मदिरा, मांस और मधु का, तो उस समय, मतलब आचार्य संबंधभद्र स्वामी के समय, उसी को 8 मूल गुण कहते थे। मद्य मांस मधु त्यागैः सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमाः। श्रमणोत्तमों ने, अर्थात तीर्थंकरों ने, जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है कि मदिरा, मांस और मधु के त्याग के साथ अणुव्रत पंचकम्, 5 जो अणुव्रत होते हैं, इनको गृहिणाम मूल गुणान आहो, अष्टौ मूल गुणान, गृहस्थों के 8 मूल गुण कहते हैं। कौन कहते हैं? तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, ऐसा आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने लिखा है। अब इसके उपरांत गुणव्रतों का वर्णन आगे किया जाएगा। जैनम जयतु शासनम।